जनपद पंचायत बरमकेला के सभा कक्ष में राजीव युवा मितान क्लब की बैठक सह प्रशिक्षण रखा गया था, जिसमें 96 ग्राम पंचायतों के 96 क्लब के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष शामिल हुए तथा साथ ही साथ क्षेत्र के सभी बैंकों के बैंक कर्मचारी भी शामिल थे, जिसमें SDM सारगढ़ व जनपद CEO बरमकेला ने राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्षों को प्राथमिक जानकारियों से अवगत कराते हुए संबंधित बैंकों में खाते खोलने हेतु निर्देशित किया। गौरतलब है कि राज्य शासन की तरफ से प्रदेश के सभी गांवों में राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संगठित किया जा रहा है। साथ ही युवाओं के नेतृत्व में विकास, स्वावलंबन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। SDM राजीव पांडे ने कहा कि युवा शक्ति को सही दिशा देना और विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है। क्लब के माध्यम से शासन के विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन में युवाओं का सक्रिय सहयोग रहेगा। साथ ही में जनपद CEO नीला राम पटेल ने कहा कि शिक्षा और खेल के माध्यम से स्वस्थ समाज की स्थापना में सहभागिता बने युवाओं को मौका मिला है। साथ में विकास खंड के सभी ग्रामों में गठित राज्य युवा मितान क्लब के सदस्यों को कुपोषण को दूर करने, सामाजिक असमानता, कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही स्वच्छता अभियान से जुड़कर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जी बताएंगे, राज्य युवा मितान क्लब को लेकर के अपने सारंगढ़ सब डिवीजन में एक हमने कोशिश किया है कि राजीव युवा मितान क्लब को एक सदस्यों को बुलाया गया है और उनको हमने राजीव युवा मितान क्लब क्यों बना रहे हैं इसके विषय में बताया और एक खाता खोला जाना है क्लब के नाम से और राज्य शासन द्वारा हर 3 महीने में 25,000 रुपये अर्थात साल भर में 1,00,000 रुपये अनुदान उनको दिया जाना है। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है, बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया है और जो क्लब है उसके पदाधिकारियों का सील बनाया जाना था तो उसके लिए लोगों को बुलाया गया। तो एक ही जगह में हमने प्रयत्न किया है, ऐसा कल हमने सारंगढ़ में रखा था कैंप, आज बरमकेला में है। तो इसमें एक ही जगह पर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो हम यही फॉर्म भरवा दे रहे हैं, बैंक के अधिकारी उपस्थित हैं, उसको अच्छी तरीके से जाँच कर ले रहे हैं और खाता खोलने के साथ साथ राजीव युवा मितान क्लब के बारे में हमने लोगों को बताया है और मुझे बहुत खुशी है कि क्लब के जो पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं उन्हें बहुत उत्साह है और एक राज्य सरकार और आम जनता के बीच में सेतु का काम ये क्लब करेंगे। राजीव युवा मितान जो क्लब है किस तरह से कार्य रहेगा, कुछ कार्य रहेगा? इसमें सामान्य कार्य हैं कि जागरूकता लोगों में हो, जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, तो इसके लिए ये लोग स्वयं भी जागरूक हों और कोई इनके आसपास के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हों जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो यदि किसी भी कारण से, तो ये लोग फीडबैक हमको देंगे। और जो नशा की प्रवृत्ति है या किसी प्रकार की बुराइयाँ हैं उसको दूर करने में ये एक अच्छा माहौल बनाएंगे, ऐसा इन सबसे अपेक्षा है।